कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें, ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है वो संशय हमारे लिए भी रहता है। क्या स्पष्टीकरण किस बात का भाई? 7 निश्चय पार्ट 2 पर स्पष्टीकरण दें कि माननीय नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इसके रूप में दें। अरे ये सीधे तौर पर मन के अंदर में हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिसके मन के अंदर कन्फ्यूजन है वो जाने, हम कन्फ्यूजन से दूर हैं। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजभवन के पास लगातार बनी हुई है, मैं आपको यहीं से लगातार अपडेट दे रहा हूँ। आज मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार को 5 बजे तक बता देना चाहिए, स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था कि जो संशय बना हुआ है सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो खत्म हो जाए। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सब जो चल रहा है या जो आप लोग चला रहे हैं वो तो सब देख रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे, आपको स्मरण हो जो लोग भी बिहार में रहे हैं और बिहार के बाहर से आए हैं, 9 अगस्त 22 को जब इस गठबंधन की बुनियाद पड़ी, उस बुनियाद में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और तेजस्वी जी, बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति, नफरत और घृणा के खिलाफ। उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिल करके, सब मिल करके बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ है। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है मैं मानता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कन्फ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें, ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कन्फ्यूजन, ये इधर उधर वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर, हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं, मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर 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 है क्या? आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं नीतीश जी फिर से उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं? देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर, अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुख क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु है तू मजबूत वाला मानता है। तो सुना आपने किस प्रकार से मनोज झा ने कहा है कि जो माहौल है वो संशयपूर्ण माहौल है, उसको खत्म कर देना चाहिए आज 5 बजे तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अब इस पर जदयू की तरफ से नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, हम लोग जो भी करते हैं वो खुलेआम करते हैं। क्या कुछ कह रहे नीरज, जरा सुनिए। मनोज झा कह रहे थे कि 5 बजे तक क्लियर कर देना चाहिए, संशय बना हुआ है मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में। उसी प्रकार से हम भी कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण किस बात का भाई? 7 निश्चय पार्ट 2 पर स्पष्टीकरण दें कि माननीय नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इसके रूप में दें। अरे ये सीधे तौर पर मन के अंदर में हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिसके मन के अंदर कन्फ्यूजन है वो जाने, हम कन्फ्यूजन से दूर हैं। मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं दरवाजा खुल सकता है, बंद हमेशा के लिए नहीं होता है। अब माननीय सुशील मोदी जी राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं,
नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का उनका अनुभव रहा है। अब उनके बयान के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं ये तो वही बताएंगे, लेकिन स्वाभाविक है उनके बयान को मीडिया गंभीरता से लेता है। तो अभी आप सुन रहे थे नीरज को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि यहाँ पर जो भी है सब कुछ खुलेआम करते हैं हम लोग, किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। क्या सात निश्चय का स्पष्टीकरण दें हम, यानी कि जो अपने काम थे वो गिनवाने लगे। अब एक और खबर आज दिन भर में चली है कि सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है कि जो दरवाजा है वो हमेशा के लिए बंद नहीं होता, क्योंकि अभी से कुछ समय पहले सुशील कुमार मोदी का ये बयान आ रहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन अब दरवाजा खोलने की बात सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं। तो इस पर भी नीरज कुमार ने अपनी सहमति जता दी और कह दिया है कि सुशील कुमार मोदी एक बड़े नेता हैं, जो वो कहेंगे उसमें कुछ ना कुछ दम तो होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के जुड़े रहे दिन के साथ, धन्यवाद।